निकितम बोली और देवोलीना भट्टाचार्य जी के बीच छिड़ गई है जंग। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि देवोलीना भट्टाचार्य जी जो है, जो एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर घर में आई है, उसी बात से सभी को थोड़ी सी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर वो बात चुभी सी नजर आ रही है, और खास करके निकितम बोली को। निकितम बोली जो है वो पहले से ही देवोलीना से इतनी खुश नहीं नजर आ रही थी, और अब टास्क के दौरान, राशन टास्क जो चल रहा है बिग बॉस सीजन 14 के घर, वहां पर निकी तंबोली जो है, थोड़ी सी जो राशन आई थी उस राशन को भी उन्होंने खुद ही खा लिया है, और इस बात से नाराज हो गई देवोलीना। और देवोलीना उनसे कहती है कि यार मैं तुम्हें अब एक दो खींच के थप्पड़ लगाना चाहती हूँ। तो वहीं पर निकी तंबोली जो है वो कहती है कि मैं भी तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, और मुझे ये भी जानना है कि आखिरकार तुम किस लिए आई हो घर के अंदर। तो इस प्रकार से सवाल उठाते हुए नजर आई है निकी तंबोली देवोलीना के एग्जिस्टेंस पर बिग बॉस सीजन 14 के घर। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार देवोलीना और निकी तंबोली के बीच छिड़े हुए जंग का अंजाम क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको दोस्तों, इन दोनों के जो टीम्स है उसमें से कौन सी टीम होगी जो जीतने वाली होगी, क्योंकि निकी तंबोली जो है वो एक नहीं सुन रही है बॉस। तो अब ये देखना है कि रुबीना दिलेक और देवोलीना की टीम जीतेगी, या फिर राहुल वैद्य और निकी तंबोली की टीम जीतने वाली है। आपको क्या लगता है बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।